तो ऐसे हम लोग गूगल पे जाएं और टाइप करें ब्लेंडर किट, तो ये पहली साइट आ जाएगी। आप यहाँ पे क्लिक करिएगा, आपको यहाँ पे 3D मॉडल मिलेंगे, टेक्सचर मिलेंगे, मटेरियल मिलेंगे, हर एक चीज़ मिल जाएगी। आपको अलग से बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको मटेरियल किसी पे लगाना है कोई भी, तो बहुत एक अच्छा प्लगइन है ब्लेंडर किट। यहाँ पे बस आपको एक अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, और हालांकि इसमें पेड वर्जन भी है लेकिन फ्री भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप एडिट पे जाइएगा, प्रेफरेंसेस में जाइएगा, प्रेफरेंसेस में ऐड ऑन पे जाइएगा और इंस्टॉल पे क्लिक करिएगा, वो चीज़ आपकी आ जाएगी। ठीक है, बहुत एक अच्छा प्लगइन है। मुझे कोई मटेरियल चाहिए जैसे वुड, तो मैं वुड एंटर करता हूँ तो मुझे वुड से रिलेटेड ये चीज़ें दिखाएगा। अभी तो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है, अगर मुझे मटीरियल चाहिए तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, मैं केवल फाइंड मटीरियल पर क्लिक करूँगा तो अब केवल मुझे वुड मटीरियल दिखाएगा। ठीक है, ये जैसे कुछ मटीरियल ये दिखा रहा है, सर्च कर लेता हूँ कि केवल वुड ही दिखाए। तो ये वुड के कई सारे मटेरियल आ गए, आपको जो वुड बहुत सारे मटेरियल आपको मिलेंगे। ये देखिए आपको जो मटेरियल पसंद आ रहा है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, ठीक है, ये मटेरियल आपका आ गया, एक सेकंड, डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद ये कहाँ आया है, तो ये आपके मटेरियल, तो आपको जैसे इस पर असाइन करना, मैंने सेलेक्ट किया वो टेक्सचर को, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया इस पर, और अभी दिख नहीं रहा है तो हम लोग इस पर जाते हैं मटेरियल पे। आप देख सकते हैं, देखिए मटेरियल आपका लग चुका है। ठीक है, तो ये बहुत एक अच्छा टेक्सचर है। तो अब यही चीज़ हम लोग देखेंगे कि जब ये मटेरियल लगाते